उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया है। विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर ले जाते समय यूपी एसटीएफ की टीम की एक गाड़ी पलट गई। ऐसे में मौका पाकर विकास दुबे ने एक घायल पुलिसकर्मी का हथियार लेकर भागने की कोशिश की। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। विकास दुबे को घायल हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। मुठभेड़ में विकास दुबे की कमर और सीने में करीब 4 से 5 गोलियां लगी हैं। गैंगस्टर विकास दुबे ने गुरुवार को उज्जैन के महाकाल मंदिर में एक तरह से आत्मसमर्पण किया था। देर शाम यूपी पुलिस की टीम उसे उज्जैन से कानपुर के लिए लेकर निकली और आज सुबह विकास दुबे मुठभेड़ में मारा गया। यूपी पुलिस की माने तो विकास दुबे 8 पुलिसकर्मियों के शहीद होने के मामले में फरार था। उस पर 5 लाख का इनाम घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के पश्चात पुलिस व एसटीएफ टीम आज उसे कानपुर ला रही थी। तभी कानपुर में भौती के पास पुलिस का वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया, जिससे उसमें बैठे अभियुक्त व पुलिस जन घायल हो गए। इसी दौरान विकास दुबे ने घायल पुलिसकर्मी के पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने हेतु कहा गया, परंतु वह नहीं माना और पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान विकास दुबे की मृत्यु हो गई। राजा उठा करके जाते हैं, उसने जो विवेचक थे उनकी पिस्टल छीन करके भागने लगा, जिसमें एसटीएफ की टीम बैकअप में वहां पर आ गई जाते हैं और उसमें मुठभेड़ हुई है और इसमें विकास दुबे घायल हुआ, उसको अस्पताल ले जाया गया जहां पर और हमारे जो कुछ सिविल पुलिस के लोग भी थे, 2-3 लोग हैं, आईजी साहब को हमने वहां भेजा हुआ है और जो घायल उनको ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं वहाँ व्यवस्था देखने गए। सर कितनी गोलियां लगी पलटने के बाद? गोलियां लगी है अभी अभी घर जाते हैं, अभी हम अस्पताल पहुँच करके विवरण लेकर के जाते हैं। इससे पहले विकास दुबे के उज्जैन से गिरफ्तार किए जाने के बाद गुरुवार रात उसकी पत्नी रिचा बेटे के साथ लखनऊ में अपने मकान के पास से पकड़ी गई। घायल 112 पर स्थानीय लोगों ने रिचा और उनके बेटे को देखकर फोन किया था। उस बीच एसटीएफ की टीम भी वहां पहुंच गई और कृष्णानगर पुलिस की मदद से रिचा को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले कृष्णानगर पुलिस ने विकास के नौकर महेश को गिरफ्तार कर एसटीएफ के हवाले कर दिया था। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।